भाई साहब बीड़ी बीड़ी फूक रहे हैं अंदर, थोड़ा रिचार्ज कर ले फिर चलेंगे। तो दोस्तों रस्सी तिरपाल कंप्लीट होने के बाद अभी बज रहे हैं कुछ भी 7:30, तो निकलते हैं। जावरा की लोडिंग कंफर्म हुई है अपनी, यहाँ से जाना है जावरा लोडिंग के लिए। मल्टी लाइट वगैरह लगा रहा है, ऊपर की लाइट निकल गई थी, तो चलते हैं यहाँ से जावरा। इससे पहले आपने देखा होगा अभी दिन में अपन ने गाड़ी वगैरह धुलवाई थी, अब निकलना अपने को जावरा के लिए। तो ठीक है मिलते हैं रास्ते में। दोस्तों 8:07 हो चुके हैं, 8 मिनट, और टेम्परेचर हुआ 14°C। ये देख सकते हैं आप कितनी ठंड है, ये देखिए होश वगैरह जम रही है। चलो निकलते हैं, आप मिलते हैं आपको रास्ते में। तो दोस्तों पहुंच चुके हैं अपन जावरा, जावरा बाईपास करके जो पीछे से रास्ता जाता है वहां से जा रहे हैं अपन मंडी के लिए। बस चल रहे हैं अपन, नाइट का टाइम है, सुनसान रोड है, देख लीजिए आप क्या स्थिति है रोड की। उधर से 9 घंटे खुली नहीं थी इसलिए इधर से घूम के आना पड़ता, बाकी निकलेंगे अपन अंदर सिटी में से ही होके। अभी रोज सुबह 9:30 हो गए, 8:08 पे निकले थे रतलाम से, टच कर दिया आवाज अटक गई। अरे जूम आउट, जूम आउट वो जब वीडियो चालू करेंगे ना तब से करना पड़ता, बीच में नहीं होता। क्या इसमें तो हो रहा है चलती वीडियो में, इसमें तो हो रहा है आप चलती वीडियो में क्या? जूम आउट ने जूम होता है बाकी जहाँ से चालू करेगा ना, हाँ 5 से चालू करेगा तो 5 से 3 तक चल जाएगा, 3 से चालू करेगा तो 5 पे नहीं आएगा। तो मैंने तो 1 पे चालू करा था ना, 3 से तो ना, 1 पे चालू करा था कि तो 1 पे ना चालू कर लेगा 2 पे होता है। चल काटा करवाना अपना को, चल बकना चालू कर फटाफट। पहुंच चुके दोस्तों, देखो ये खड़ी अपनी गाड़ी जावरा मुन्नी, ठंड बहुत हो रही है, व्यापार ने ताप जला रखा था, पेट के ताप रहे हैं। मैं छोटा भाई अपना फुल ठंड में, फुल ठंड में मास्क पहना, ठंड बहुत है, बकते जाओ और लोग बनाते जाओ। चलो अब लोडिंग पे लगेगी गाड़ी, वहाँ बता दो सीन जी अपनी जावरा मंडी। ठीक है इको मिनट लोड हो रही है पास में, किधर हो गई ये लोड। भाई साहब बीड़ी बीड़ी फूक रहे हैं अंदर, थोड़ा रिचार्ज कर ले फिर चलेंगे। हाँ तो मित्रों बैठे हैं गाड़ी में, देखो लोडिंग का कुछ पता है नहीं, बोल रहे हैं लगाते लगाते थोड़ी देर में लोडिंग। बंटी बाहर आग ताप रहा है, मैं बैठा हूँ गाड़ी में क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, इसलिए गाड़ी में आके बैठे हैं। गाड़ी में भी ऐसा लग तो रही है ठंड, बाकी इतनी नहीं है, गाड़ी अपनी महिंद्रा अच्छा केबिन है, मतलब पूरा पैक है, किसी भी तरफ से हवा वगैरह आती नहीं है, और अंदर भी मतलब हल्का गर्म रहता है, अपने बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा गर्म हो जाता है। फिलहाल टेम्परेचर पहुँच चुका है शायद, देखता हूँ, 12 डिग्री सेल्सियस, देखते हैं क्या होता है। थोड़ी देर में लगाते हैं लोडिंग पे, जैसी लगती है बताता हूँ आपको। ठीक है मिलते हैं लोडिंग पॉइंट पे, फिर जैसा भी होता है। हाँ तो मित्रों बहुत ख़तरनाक ठंड बज रही है, और टाइम हो रहा है 1:09, टेम्परेचर हो रहा है अपना 10°C, जैसा कि देख सकते हैं आप हालत खराब हुई पड़ी है, बहुत मतलब गाड़ी के अंदर ही बहुत ख़तरनाक ठंड बज रही है। चलो पहुँच गए कांटे पे, करवाते हैं कांटा, फिर मिलते हैं। मित्रों निकल चुके काटा करवा के, और वजन आया है अपना 10,562 है नी, 10,562, 16,385 है टोटल वजन। चल निकलते हैं जावरा से, सिटी से निकल रहे हैं। हाँ तो ये सिटी से निकल रहे हैं अपन, रात को एंट्री खुल चुकी है।
हाँ तो मित्रों आ चुके अपने सोनगरा होटल पे, चलते हैं नाश्ता पानी करेंगे। कुछ खड़ी आ रही है इधर में तो पार हो जाता है। ठीक है चलो मिलते हैं नाश्ता पॉइंट पे। पापा क्या कर रहे थे? पापा यूं रोटी खाते हुए। चलो मिलते हैं बाहर। हाँ तो मित्रों निकल चुके हैं, बस चलते गाड़ी के पास। मावा बटी करा ली पैक, तो मिलते हैं रास्ते में। कुछ अगर नया होता तो बताते हैं, तो वहाँ इसके बाद घर घर आप भी सो जाओ हम भी सो जाते हैं। हाँ तो मित्रों पहुँच चुके हैं अपन रतलाम। ठंड तो ऐसे ही पड़ रही है, लाइट तो पब्लिक अंधी थोड़ी नहीं दिख रही है। तेरे किधर देख दिख रहा है कि बस? तो फिर पुलिस की गाड़ी जा रही है और हम इधर सीधे जा रहे हैं रतलाम सिटी में, दिखाने आपको रास्ता। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ठंड कितनी पड़ रही है, टेम्परेचर माइनस में तो नहीं गया है, मतलब 7-8 पे है ना अभी। 8 हो गया होगा, 7-8 हो चेक कर लेता ना। तो बाकी आप देख सकते हैं कांच पे और आगे गाड़ी आ रही है, वो लाइट दिख रही है उसकी, बस गाड़ी नहीं दिख पाई। होश जम रही है, होश जम रही है। आपको टेम्परेचर रतलाम का नहीं, अभी तो 10 डिग्री बना हुआ है, बाकी लग रहा है वो ठंडा होगा। ठीक है चलो पहुंच गए रतलाम, करते हैं यही ब्लॉग का एंड। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल, तो आगे हम और भी बनाते रहेंगे। इंस्टाग्राम को भी आप फॉलो कर सकते हैं, उस पर भी मैं अपडेट देता रहता हूँ। लाइफ ऑफ ट्रकर्स नाम से पेज है अपना इंस्टाग्राम पे, मैं इसकी लिंक नीचे डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी आपको। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में।